हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ले जा रही हूँ व्लॉग के थ्रू अपने इस्कॉन दिल्ली के यूथ फेस्टिवल में, जो कि 2 सितंबर को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इस्कॉन दिल्ली के यूथ फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस्कॉन दिल्ली का जो टेंपल है वो कैसा दिखता है। तो ये रहा इस्कॉन दिल्ली का टेंपल। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब हमारा पहला इवेंट चालू होता है, ये है कीर्तन का इवेंट। और अभी ये इवेंट पहला इवेंट था और पूरा कीर्तन होगा अभी। बहुत ही मज़ा आया कीर्तन में, आप सभी सुने और आनंद उठाएँ। हमारा दूसरा इवेंट था लैंप लाइटनिंग, जो कि सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा था। वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। तो अब आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा लैंप लाइटनिंग। और इसमें साथ ही प्रभु जी से कि आप भी कृपया करके स्टेज पर आए और आकर के लैंप लाइटनिंग में सहयोग करें। यस यस अब हमारा तीसरा इवेंट है सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा दिया गया एक बहुत ही सराहनीय स्पीच। वैसे तो आज हम जब
इस प्रांगण में एकत्र होते हैं और जहां भगवान कृष्ण का परंतु फिर भी मुझे कुछ कहने को कहा गया तो मैं उसी अनुभूति से ही क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस स्मार्ट मंदिर की स्थापना 1900 के ऊपर और अगर पक्षी बनू तो कदम के उस वृक्ष पर कालिंदी यमुना जी के तट पर जिसके नीचे कभी भगवान बंसी बजाया तो रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान वसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार और जो पशु हो तो कहा बस देव भरत चरो नित नंद के धेर में धारण और पाहल हो तो वही गिर को जो हरे होकर छत्र पुरंदर धारण और जो खग हो तो बसेरो करो तो कालिंदी कुल कदम गिरा हमारे चौथे इवेंट में प्रभु जी का स्पीच था जो कि हमने सुना बहुत ही सुंदर ढंग से और साइंटिफिक तरीके से व्याख्या की। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं विद्वान भी। जैसे कि हम सब भक्तों को मालूम है कि हम श्री राधा और शास्त्री का गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद जी ने जो हमारे हमारे पांचवें इवेंट में मोहन रूपा प्रभु जी द्वारा दिया गया स्पीच था जो कि बहुत ही अच्छा स्पीच था। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम फेस्टिवल में। ओम ज्ञान ग्रंथस्य ध्यानाधनाशलाकया चक्षुरो मिलिता येन तस्मै श्री गुरुवे इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सारे स्पीचेस होने के बाद अब कल्चरल इवेंट्स की बारी थी। कल्चरल इवेंट्स में आप बच्चों के परफॉर्मेंस देखेंगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डांस परफॉर्मेंस था और एक ड्रामा था जिसमें कि कृष्ण भगवान के बचपन से लेके मतलब जब वो जन्म हुए तब से लेके बड़े होने तक का उनका वो उनका कार्य दिखाया गया था कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई और वो काफ़ी कंसाइज फॉर्म में था तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा आया। सबसे पहले ये बच्चों का डांस था, ये रहा कृष्ण का पूरा स्किट। ये ड्रामा चल रहा है जिसमें कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं महाभारत में कि कैसे तुम्हें अपने लिए लड़ाई लड़नी है और ये तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हें करना ही होगा। जब अर्जुन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि मैं अपने ही परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ तो उस टाइम का ये सीन है और ये पूरा ड्रामा के थ्रू इन बच्चों ने दिखाया था और जो कि बहुत ही अच्छा इवेंट था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी देख सकते हैं कि बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऑडियो मतलब इसमें म्यूज़िक भी था बहुत सारे लेकिन मुझे ना म्यूज़िक हटाना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक अदरवाइज आ सकती है वीडियो में, इसलिए मुझे म्यूज़िक हटाना पड़ा। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था आप देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और हम लोग सब कोई बहुत अच्छे से ये ड्रामा को देख रहे थे। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मतलब जाना ऐसा हुआ कि सार्थक हुआ कि हमें लग रहा था कहीं हम बोर ना हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन था वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमें तो बहुत मज़ा आया। बच्चों के आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट में अर्जुन को कृष्ण भगवान अच्छे से गाइड करते हैं और महाभारत का युद्ध वगैरह होता है तो ये लास्ट सीन है। अब ऐसा था कि विवेक बिंद्रा आने वाले थे बट उनको नहीं आ पाए वो क्योंकि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई थी जिसके कारण कि वो पब्लिक में नहीं आ सकते थे कुछ दिन तक, जिसके कारण कि वो इवेंट भी अटेंड नहीं कर पाए तो उनके रिप्लेसमेंट में अमोघ लीला प्रभु आए थे।
और अब होगा अमोघ लीला प्रभु का स्पीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पीच था। अब आप सुनिए अमोघ लीला प्रभु का स्पीच। ये था छोटे छोटे क्लिप्स अमोघ लीला प्रभु के स्पीच का। स्पीच पूरा का पूरा ये नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते बन नहीं रहा था ज़्यादा इसीलिए, लेकिन स्पीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अमोघ लीला प्रभु का। हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उनका स्पीच सुन के। इसके बाद स्पीच के बाद हम गए प्रसाद लेने। हमें प्रसाद के लिए कूपन मिला हुआ था, तो हम गए वहाँ पे और कूपन अपना सबमिट किया और प्रसाद मिला। प्रसाद में पुलाव था, वेज पुलाव, और साथ में उसके छोले था। छोले के अलावा हमें पास्ता मिला था, रसगुल्ला मिला था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी प्लेट है। और साथ में हमें मैंगो जूस मिला था और रियल का कोकोनट वाटर मिला हुआ था और पानी मिला हुआ था। फूड बहुत डिलीशियस था। हमें इवन वेज पुलाव और छोला रिफ़िल करने का भी मौका मिलता कि अगर आपको और खाना है तो आप जाके खा सकते हो आराम से। रसगुल्ला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा खा के। और ये रहा नाइट व्यू इस्कॉन टेंपल का। मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये तस्वीरें ले लूँ एटलीस्ट कि कैसा दिखता है रात में इस्कॉन टेंपल। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के अलग अलग ब्लॉग्स देखने के लिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको भी अगर मौका लगे तो आप इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल में ज़रूर जाएं। फूड सबसे अच्छा और कीर्तन मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारा प्यार बरसाइए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।